सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डियर वॉलेट सॉफ्ट लोन एप्लीकेशन से लोन कैसे लेते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये एप्लीकेशन हकीकत में लोन प्रोवाइड कराती है या नहीं, तो पूरी की पूरी रिव्यू इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो डियर वॉलेट सॉफ्ट लोन एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके का टाइटल देखने को मिलता है, थंबनेल कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जिस भी एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है उसका रिव्यू जरूर चेकआउट करिएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है अबाउट दिस ऐप, इसके राइट पे क्लिक करेंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है 90,000 का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कितने दिन के लिए, तो यहाँ पे देखने मिलता है 91 डेज से लेकर 240 डेज तक लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फिर इंटरेस्ट लगता है 0.02 का परसेंट यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखने मिलता है 10,000 से लेके 90,000 तक का लोन यहाँ पे मिलता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फार्मूला इन्होंने एग्जांपल दिया है, वो आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सपोज आपने 20,000 का लोन लिया है 120 दिन के अंदर अंदर में इंटरेस्ट लगा है 0.04 का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको टोटल आपको देखने मिलते हैं 20,960 रुपये रीपेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी एज 18 वर्ष की होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आपको इनकी मेल आईडी है, इन पर विजिट कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे 9 AM से लेकर 6 PM तक आप लोग कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे देख सकते हो 22 फरवरी 2023 की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद बैक करिएगा। बैक करने के बाद आप बात करते हैं डाटा सेफ्टी की। डाटा सेफ्टी पे आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको भी पता होना चाहिए कि डाटा सेफ्टी में क्या क्या लिया जाता है। हाँ, जैसा कि आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको लोकेशन जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन जाएगी, मैसेज जाएंगे, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मेन पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट नंबर। फ्रेंड्स, आपके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से चले जाते हैं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। स्कैम बोले तो कैसे होगा, जैसा कि आप लोग आपके रिलेशन के कॉन्टैक्ट नंबर किसी एप्लीकेशन के पास चले जाते हैं तो आप लोग टाइम से रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो सेल्फी वाला फ़ोटो होगा वो अपलोड होगा, उसके बेसिस पे आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और आपका फ़ोटो एडिट करके आपके रिलेशन के व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अवेयरनेस रहें, सिर्फ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लेगी। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा टाइम से रीपेमेंट करें। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है सी ऑल रिव्यू, इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वन रेटिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके का कहना है, कई कमेंट आती है यहाँ पे फ्रॉड है, फेक है एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे नॉट वर्क यहाँ पे करती है। इसके बाद आपको लोन लेना है तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ऐप लिंक के नाम से लिंक मिलेगी, उसके बाद आपको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद आप लोगों को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, यहाँ पे 50,000 का लोन अप्रूव हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख मिलता है अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग नंबर डालेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फ़ोन नंबर से लॉगिन करेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। थोड़ी देर में आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको इस बॉक्स में फिल करेंगे, सबसे पहले वाले बॉक्स में। मेरा OTP आ चुका है तो मैं OTP को अलाउ करता हूँ, और यहाँ पे अपना कैप्चा को फिल करिएगा, जो आप लोग पासवर्ड रखना चाह रहे हो वो आप लोग पासवर्ड सेट कीजिएगा। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद
फ्रेंड्स थोड़ा सा आप वेट करेंगे, इसके बाद फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से अलाउ करेंगे, अलाउ अलाउ अलाउ, ठीक है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यहाँ पे आपको 10 मिनट कंडीशन को सारी की सारी रीड करेंगे और यहाँ पे अलाउ करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ठीक है। वेट करने के बाद यहाँ पे बोलता है कि आप लोग अपना पहले सेल्फी वाला फ़ोटो अपलोड करेंगे, इसके बाद सेल्फी वाला फ़ोटो अपलोड करने के स्टार्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। मैं अपना सेल्फी वाला फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। सो फ्रेंड मैंने अपना सेल्फी वाला फ़ोटो अपलोड कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद आधार कार्ड का फ़ॉन्ट अपलोड करेंगे, फर्स्ट फ़ॉन्ट, इसके बाद बैक फ़ॉन्ट अपलोड करेंगे, नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद अपना पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, किड्स को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी, मंथली सैलरी आपकी कितनी है वो सिलेक्ट करेंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में सिलेक्ट रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नंबर डालेंगे। इसके बाद नीचे आइएगा, इसी तरीके से आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में सेलेक्ट रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, सो फ्रेंड वेट करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन में अपनी IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको डिटेल देखने को मिलेगी। लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे शो होता है, अमाउंट यहाँ पे शो होते, इंटरेस्ट शो होता है, GST प्रोसेसिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलती है, MI आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सारी की सारी यहाँ पे आपकी बैंक आ जाती है, IFSC कोड आता है, अकाउंट नंबर यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से चेकआउट करिएगा, चेकआउट करने के बाद कन्फर्म करिएगा, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद उसी एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पे इंटर हो जाओगे ऑटोमेटिक। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ से यहाँ पे देखने मिलता है यहाँ पे यूज़र और यहाँ पे लोन, तो आपको लोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ही आपको रीपेमेंट का यहाँ पे ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और टाइम से आप लोग रीपेमेंट करें। मैंने पहले बता देता हूँ आपको, इस एप्लीकेशन में ने मेरे जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं उतने ले लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि न्यू फ़ोन का यूज़ करें या फिर अपने फ़ोन से पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करके लोन के लिए अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आप लोग जब भी रीपेमेंट करो टाइम से ना हो पाए तो आपका साथ स्कैम ना हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।